आइए देखते हैं खबर रीवा से। मारपीट की वीडियो वायरल करने का दौर इन दिनों जारी है। आए दिन अपराधियों के द्वारा मारपीट की जाती है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया में अक्सर वायरल होते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस प्रशासन की नींद खुलती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो रायपुर करचुरियान थाना क्षेत्र का बताया जाता है, जहां तीन युवकों के द्वारा एक युवक को निर्वस्त्र कर पीटा जा रहा है, वहीं मुर्गा भी बनाया जा रहा है। आरोपियों के द्वारा छात्र को समझाइश दी जा रही है कि वह यह सब कब से कर रहा है और क्या यही करने कॉलेज जाता है, जिससे यह लगता है कि छात्र किसी लड़की के साथ पकड़ा गया, जिसके साथ युवकों के द्वारा मारपीट की गई है। पूरे मामले को लेकर एसपी नवनीत भसीन ने कहा कि मारपीट करने वाले को चिन्हित किया जा रहा है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आप भी देखिए वीडियो, किस तरह से आरोपियों के द्वारा तालिबानी सजा दी जा रही है। ये करते हो काम, पढ़ने आते हो सोशल मीडिया से संज्ञान में आया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। थाने में अभी कोई ना कोई आवेदन पत्र आया है, ना कोई सूचना प्राप्त हुई है। सोशल मीडिया के मामले के माध्यम से सूचना मिली है, आरोपी की पता तलाश की जा रही है, आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी ये भी विस्तृत जानकारी नहीं है कि कहां का है, बता रहे हैं कि जोगनीहाई के पास का है, जो इसके संबंध में पता तलाश की जा रही है। अभी इस संबंध में कोई थाने में सूचना नहीं आई है, कोई भी आवेदक या फरियादी थाने में सूचना नहीं दिया है। वायरल हो रहा है, जिसमें लड़के को कपड़ा उतरवा के मारपीट हो रही है। अभी जिस वीडियो की जानकारी मिली है, उसको लेके थाना की टीम पूरी लगी हुई है और वो लोग ये प्रयास करते हुए कि वीडियो अनावश्यक प्रसारित ना हो और आरोपी लोगों की पहचान हो जाए, उसको लेके अपनी टीम पूरी रवाना है और अति शीघ्र हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर भी लेंगे और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई उनसे कर देंगे। परंतु हम अपील भी करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी, कृपया इस प्रकार की कोई भी वीडियो जो किसी व्यक्ति को अनावश्यक बाद में मानसिक अंतराल दें, उसको मानसिक कष्ट दें, उसको हमें नहीं फॉरवर्ड कराना है और नहीं उसको प्रचारित कराना है। घटना जिसके साथ हुई है वो हमारा फरियादी है, हमको उसकी चिंता भी करनी है और उसके प्रकरण को प्रेस करके आवश्यक कार्रवाई भी आरोपियों पर करनी है। सर, किस थाना की घटना है, किसान रिश्ता क्या जानकारी है? अभी तो जो हमें सूचना मिली थी, हमने रायपुर करचुरियान थाने की टीम को लगा दिया है, क्योंकि डेढ़ जानकारी अभी और आई भी नहीं है। तब तक वो टीम काम कर रही है और संबंधित साइबर सेल भी उनको सहयोग प्रदान कर रहा है। अपने आसपास की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।